बर्गर किंग खोलने वाला हूं मैं। वाओ गाइस, मैं बर्गर किंग खोलने वाली हूं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम। ये मेरे साथ ही क्यों ना होता है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम। नो, हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट तो कर लिया, बट मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरा नाम है सोनिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, सो वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू शूट अवर ब्लॉग। सो ये ब्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज मैं अपना बेकिंग स्किल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आज हम बनाएंगे बंस। सो बंस को आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। सो उसके साथ आप बर्गर यूज़ कर सकते हो, बर्गर बंस बना सकते हो, और आप बना सकते हो क्या वो खाते हैं जो ग्रेवी बनाते हैं, पाव भाजी। पाव भाजी बन भी बना सकते हैं, एंड आप इसे कैसे भी यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। एंड चलो हम बनाते हैं बंस। सबसे पहले हम डो को रेडी करके रखेंगे, देन हम करेंगे अदर वर्क। सो चलो अब हम करते हैं डो को रेडी। डो रेडी करके रख लेते हैं, फिर बहुत इजी एंड क्विक सब कुछ हो जाता है, राइट? के लिए आपको चाहिए मिक्सिंग बाउल एंड ऑल पर्पज़ फ्लावर। फर्स्ट मैं मिक्स करूँगी जीस्ट इसको, क्योंकि राइस होने में टाइम लगेगा। एंड मैं ये जीस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें मैं लूँगी 1 teaspoon एंड लिटल बिट मोर। हमेशा मैं गुड लक के लिए लेती हूँ। एंड अब हम यूज़ करेंगे चीनी, शुगर 1 teaspoon। एंड अब हम इसमें वार्म वाटर ऐड करेंगे। एंड मैं यहाँ 1 cup ऑफ वार्म वाटर ले रही हूँ। एंड इसको थोड़ा सा मिक्स करके कवर करके राइस होने तक रख देंगे। और इसको साइड पे रख देंगे। नाउ हमें चाहिए मिक्सिंग बाउल, स्पैचुला, और आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हो। एंड नाउ मैं 2 cups ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। फ्लावर में मैं ऐड करूँगी 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट, एंड सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लें फ्लावर में। एंड इसमें मैं अब ऐड करूँगी जीस्ट जो हमने पहले मिक्स करके रखा था, वो अच्छे से राइज हो चुका है। एंड इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल एटलीस्ट 2-3 tablespoons। एंड नाउ इसको ऐड करेंगे फ्लावर में। एंड मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्पैचुला, एंड इससे मिक्स कर सकते हो, और आप हाथ से भी इसको मिक्स करना चाहे तो कर सकते हो। सो मैं हमेशा इसके साथ ही मिक्स करना लाइक करती हूँ, क्योंकि हमें डो को थोड़ा स्टिकी बनाना है। एंड ऐसे ही अच्छे से आप मिक्स करते रहें इसको। एंड मैंने लिटिल बिट मोर वाटर ऐड किया, एटलीस्ट 1 tablespoon। एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लें जब तक ये डो स्टिकी ना बन जाए। ये अब बहुत स्टिकी लग रहा है, डोंट वरी, ये अपने आप ऑल टुगेदर हो जाएगा। एंड इसको अच्छे से बस मिक्स करके आप कवर करके रख दें थोड़ी देर, एंड एटलीस्ट 5-10 minutes के बाद हम इसे फिर टच करेंगे। सो नाउ आफ्टर 5-10 minutes मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। एंड आप देख सकते हो जो पहले से ये अब स्टिकी नहीं है, ये ऑल टुगेदर हो चुका है। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, जस्ट बॉल को अच्छे से क्लीन करके एंड इसको रैप करके फिर कवर करके रख देंगे जब तक ये डबल ना हो जाए। तो
को हमने बनाकर रख दिया है, डो रेडी हो रहा है। एंड जितना भी आप स्टिकी बनाओगे डो, उतना ही आपके जो ब्रेड बॉन्स है वो फ्लफी, स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनेंगे, बिलीव मी। एंड अगर आप हाथों से मिक्स नहीं करना चाहते, आप स्पैचुला यूज़ कर सकते हो लाइक मैंने किया। एंड ऐसे ही आप मिक्स करके रखते हैं, आपके ब्रेड बहुत अच्छे बनेंगे। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि मैं फ्रोकोशा ब्रेड कैसे बनाती हूँ घर में, देन यू कैन क्लिक ऑन अ टॉप टू वॉच दैट वीडियो। उसमें मैंने बहुत सारी अदर रेसिपीज भी शेयर की है, सो वो आप देख सकते हो, और यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। सो घर में ब्रेड बनाना बहुत ईजी होता है, जस्ट आपको मेथड लर्न करना पड़ेगा कि डो को कैसे रेडी करना है। सो ऐसे आप रेडी करें, आप किसी भी तरह का ब्रेड बना सकते हो। सो अब हमारा जो डिनर होगा उसके लिए हमने सारा कुछ प्रिपेयर करके रख लिया, जस्ट हमें बनाना है फ्रेश, हमको सर्व करना है, दैट्स इट। एंड मैं आपके साथ और भी बातें करना चाहती हूँ। आई लाइक टू से थैंक यू सो मच हु जस्ट ज्वाइन मी, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग गाइज, यू आर रियली गुड एंड आई लव यू लॉट एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन। अब देखते हैं, डो रेडी हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है इसे, ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स। अब हम देखते हैं कि डो अच्छे से बना के नहीं। सो लुक एट दिस, कितना अच्छा है, इज एब्सोल्यूटली परफेक्ट। आप देख सकते हो, सी कितनी धूप है एंड बहुत अच्छा है आउटसाइड। एंड मैं क्या करूँ, यहाँ शूट करूँ, क्योंकि यहाँ मैं अपना सारा काम करना लाइक करती हूँ। लेट्स सी अगर मुझे ये धूप वर्क करने दे तो। बट बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से, मैं विंडोज को हमेशा ओपन करके रखना चाहती हूँ। एंड थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, नहीं यहाँ ठीक है, या सो मैं हमेशा लुक ऐसी, इतनी अच्छी धूप आ रही है बाहर से, बहुत अच्छा है। सो ओके, मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा यहाँ पर अपना वर्क करती हूँ। एंड मैं अपनी ग्रेनाइट को कभी यूज़ नहीं करती रोटी बनाने के लिए और बेकिंग के लिए, नेवर। सो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, जे शेफ का, दिस इज़ अ कटिंग बोर्ड, दिस इज़ ये वुड का है। सो दिस इज़ रियली गुड गाइज, सो आई गॉट जस्ट $10-15, बट दैट टाइम वॉज ऑन अ सेल। This Master Chef, it is amazing guys. So, जब से मैंने इसको लिया है ना, मैं Master Chef ही बन गई। मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आपको स्टेप बाई स्टेप उनको कट करना है, बनाना है, एंड फिर उनको टाइम देंगे राइस होने के लिए। चलो अब मैं फोकस कराऊँगी ओनली बंस पर, नॉट ऑन मी। आप देख लें मुझे एंड चलो अब हम बनाएंगे, बहुत सारा काम करने वाला है। हस्बैंड आ चुके हैं, उन्हें भूख लगी है, एंड ये मैं बना दूंगी एटलीस्ट ना 20 मिनट्स। यस, करें काम कुछ, आओ मेरी हेल्प करो। और मैं बेकिंग पैन ले रही हूँ, आप बेकिंग शीट कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एंड थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ ऑल पर्पस फ्लावर, एंड इसको ऐसे टक करके नीचे से ऐसे रखना है बॉल बनाकर, ऐसे अच्छे से टक करके रखोगे तो ये बहुत अच्छा फ्लफी एंड राउंड बनेगा। एंड आप किसी भी शेप में बना सकते हो, अगर सब बन बनाना चाहते हो, सैलड बन जैसा भी बनाना चाहते हो, कोई भी शेप बना सकते हो। एंड या इसमें मैं इतना ही रखूँगी, इतनी स्पेस दूँगी, एंड क्योंकि इसको थोड़ा राइस भी होना है, बनना है। एंड ये है एवरीथिंग सीजनिंग। अगर आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा
तो मैं डिस्क्रिप्शन में देख लेना ये कहाँ से आए एंड इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे राइट नाउ मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ऑन अ बंस। सो ये टॉपिंग है, आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप हर्ब्स यूज़ कर सकते हो, फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो, वट एवर यू लाइक टू यूज़, इवन चीज़ एंड आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। नाउ मैं इसे कवर करके रख दूँगी सो वो राइज हो जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कॉम्प्लीमेंट का पॉपेट्स, इसके अंदर है हैलोपिनो एंड चीज़ एंड ये बहुत अच्छे बने थे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मैंने इसे ट्राई कर लिया है। एंड अब हम इसे बेक करेंगे एंड ऐसे ही आप इसको कुकिंग शीट पर, बेकिंग पैन पे ऐसे रख के फिर आप बेक कर लें। एंड शॉर्टली मैं आपको इसका टेम्परेचर देती हूँ, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप बेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं ये गार्डन वेजिटेबल पैटीज़, क्योंकि बन हमारे बनने जा रहे हैं इसके बाद। सो पहले हम पैटीज़ को रेडी करके रख लेंगे। इसमें 4 पैटीज़ आती हैं इन पैन, नॉनस्टिक पैन में। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया एंड फिर हम इसको अच्छे से पका लेंगे ऑयल में। एंड ये राइज हो चुके हैं, देखो मैं डबल डबल वर्क कर रही हूँ। इसको मैं बेक करूँगी 350 डिग्री फ़ारेनहाइट 15-18 मिनट, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। सी मल्टीटास्क वर्क हो रहा है, मैं क्लीन भी कर रही हूँ एंड सब कुछ देख रही हूँ साथ में। इसको दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन करना है एंड अच्छे से पका लेना है लो हीट पर, एंड हाई पर मत करना नहीं तो ये ऊपर से बर्न हो जाएंगे एंड अंदर से नहीं बनेंगे। सो लो हीट पर ये बन रहे हैं एंड मेरे 4-5 काम साथ में चल रहे हैं। ये ऑलरेडी बन चुका है, देखो ब्राउन हो चुका है एंड ये पैटीज़ भी रेडी हो चुकी हैं एंड अदर थिंग्स भी ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, लुक एट द वंस गाइस, बहुत अच्छे फ्लफी बने थे एंड आप इसको कैसे भी यूज़ करना चाहे कर सकते। गाइस बन रेडी हो चुके हैं एंड देखो हमने स्टॉल बना दिया, ये बर्गर स्टॉल बन गया है। अपना जिसने अपना बर्गर बनाना है अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, सैंडविच जैसे भी उनको खाना है, राइट। बनेगा इस बहुत ही सॉफ्ट है एंड मैं यहाँ हाथ नहीं लगाना चाहती क्योंकि ये सब निकल जाएगा। बहुत अच्छे एंड सॉफ्ट बने हैं। गाइस नॉट बैड, देखो पूरा साइज़ बन गया। मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा छोटा बनाया मैंने, बट परफेक्ट साइज़। सो अब मुझे बताओ आपको कौन सी टॉपिंग चाहिए, टमेटोज अगर आपके पास है, स्लाइस टमेटोज आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास चेरी टमेटोज है, वो फिनिश हो चुका है एंड ये रहा टमेटोज। बनाया मुझे लगा कि छोटा है, सो एवरीवन अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं जैसे जैसे इनको अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है एंड ये भी बहुत अच्छे बने हैं गाइस, ये हैलोपिनो इन इसके अंदर स्टफ की हुई विद चीज, ये भी बहुत अच्छे। सबसे ज़्यादा अच्छा किसको लगा हस्बैंड, अभी बताओ कैसे है? बहुत अच्छा सच में, फ्रेश लग रहा है। बर्गर किंग खोलना माहौल में, वाह
गाइज मैं बर्गर किंग खोलने वाली हूँ क्योंकि बच्चों ने बहुत लाइक किया एंड बच्चे तो अभी बना रहे हैं पर वो देखने में बहुत अच्छा है। हस्बैंड ने टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा बनाया क्योंकि फ्रेश आप जब घर में बन बनाते हो तो वो फ्रेश फ्लफी स्पंजी बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड बहुत सॉफ्ट एंड स्पंजी बना है, ट्राई करना। टुडे इन दिस वीडियो मैंने अपना बेकिंग स्किल शेयर किया आपसे कि मैं ब्रेड कैसे बनाती हूँ एंड बहुत सारी बेकिंग वीडियोज अप ऑन आवर चैनल लाइक पाई, फ्रेश पाई आप घर में कैसे बना सकते हो, एप्पल पाई, एनी टाइप ऑफ पाई विद द क्रस्ट एंड फिलिंग। यू कैन चेक दिस वीडियो, क्लिक ऑन अ टॉप टू वॉच दिस वीडियो। एंड और भी मैंने बहुत सारी बेकिंग वीडियोस बनाई है, कुकिंग वीडियोस बनाई है एंड अगर आप देखना चाहते हो कि मैं एगलेस कपकेक्स कैसे बनाती हूँ घर में, मैंने रेड वेलवेट कपकेक्स बनाए थे, ए टू जेड इंफॉर्मेशन दी है, आप डेकोरेट कैसे करें, पाइपिंग कैसे करें, ऑल दैट टिप्स एंड ट्रिक्स इन दैट वीडियो। अगर देखना चाहते हो कि कपकेक एगलेस कैसे बनाएं घर में, देन क्लिक ऑन अ टॉप टू वॉच दैट वीडियो। सो मेनी अदर वीडियोज अप ऑन आवर चैनल, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो कि कुकिंग एंड बेकिंग मैं कैसे करती हूँ। सो और बहुत सारी वीडियोज अप ऑन आवर चैनल है टू एक्सप्लोर एंड होप आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हों। अगर आपके पास कोई भी लाइक रिक्वेस्ट है वीडियो की, जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप क्या देखना चाहते हो। सो कौन सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग वीडियोस अप ऑन आवर चैनल के आप अपने घर को, अपनी किचन को ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखें, सो मैनी वीडियोस अप ऑन आवर चैनल। रिसेंटली आई अपलोड अ वीडियो ऑन अ पैनिट्री कि आप अपनी पैनिट्री को ऑर्गेनाइज कैसे रखें। अगर देखना चाहते हो दैट वीडियो अप ऑन आवर चैनल और यू कैन क्लिक ऑन अ टॉप टू वॉच दैट वीडियो। So hope you like today's vlog guys. I shared so many things in this vlog. Must check all videos up on my channel. There is lots of videos to explore. Hope you like today's video. If you like this video, like, comment and share. And if you're watching me from first time, please subscribe to my channel. Or if you're watching me from long time, please subscribe to my channel. So you are watching me from long time, didn't subscribe it, please subscribe to my channel. And love you lot who just joined me, and for my old family, my old subscriber, each and everyone, thank you from bottom of my heart. Love you lot and we'll see you in another coming video. Until then, take care guys and bye.